हेलो देसी विदेशी, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपने गौर किया होगा कि आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ एपिसोड स्टार्टिंग के हिंदी में बनाए, फिर कुछ इंग्लिश में बनाए, अब दोबारा मैं भूला भटका हिंदी पे वापस आ गया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदी में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था एपिसोड बनाने में, तो मैं आगे के हिंदी में बनाया करूँगा। लेकिन थीम वही है, हर एक कंट्री से एक रेसिपी बनाना सीखना है। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है क्रेमा क्रेमा एंडोराना। बेसिकली जो एंडोरा देश है उसकी रेसिपी, स्पेन और फ्रांस के बीच में छोटू सा देश, मैप पे दिखता भी नहीं है, काफ़ी जूम करना पड़ता है। बट ये जो रेसिपी है ये फ्रांस की क्रेम ब्रुले से काफ़ी मिलती है, लेकिन इसके अंदर वो फैंसी ब्लॉटोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ी सिंपलर है। लेकिन मुझे लगता है स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, इट विल बी वेरी वेरी टेस्टी। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी की। हम शुरुआत करेंगे 6 अंडों से, और इन 6 अंडों का हम वाइट्स और योक अलग अलग कर लेंगे। हमें सारे अंडों का वाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 4 वाइट्स, लेकिन 6 के 6 का योक। तो ये 6 अंडों का योक, जिसमें से एक अंडा भले ही मैं सावधानी पूरी ले रहा था फिर भी टूट गया, ये 4 अंडों का वाइट और ये 2 अंडों का वाइट, बिकॉज हमें क्योंकि 4 ही चाहिए, 4 अंडों का वाइट ही चाहिए, तो इसको हमने अलग किया है। और इसको अभी हम रिफ्रिजरेट कर देंगे ताकि हम इसका कस्टर्ड बना सकें, और बाकी इन 6 योग को अभी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका बाकी तुम लोग देख लो क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑमलेट बना लूँगा आफ्टर ऑल दिस, क्योंकि ऑमलेट किसको पसंद नहीं है, राइट? एग वाइट को मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया है, उसको रेफ्रिजरेट आपको करना चाहिए 3 घंटे से 2 दिन के बीच में, कितना भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, पर 2 दिन से ज़्यादा तो फिर ख़राब होने लगेगा वो। और हम एग योक जो है हमारे पास ये 6, जिसमें से एक टूट गया है, इसको अभी हम विस्क करेंगे 250 ग्राम चीनी और 25 ग्राम कॉर्न स्टार्च के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन के अंदर हम 600 मिलीलीटर दूध को 400 मिलीलीटर हैवी क्रीम के साथ गर्म कर लेंगे, और फिर उसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी की स्टिक और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लेमन का जेस्ट, और उसको इतना गर्म कर लेंगे कि जो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो और हम ये एग योक का मिश्रण भी उसमें डालेंगे, और उसको इस तरह से गर्म कर लेंगे कि जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है पूरे इस मिक्सचर का वो एक थिक सॉस की तरह हो जाए। अभी दिखाते हैं कैसे होगा। हम लोग देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसको अब हम हीट से निकाल लेते हैं, और इसके अंदर जो हमारी सिनेमन स्टिक थी उसको भी अलग कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, चख के देखते हैं कैसा बना है। अरे भाई साहब, बहुत ही कदर बना है भाई साहब, जबरदस्त। तो क्योंकि अब ये गर्म है, इसको हमें सेट होने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा, और कल जो हमारा एग वाइट्स है उसका हम मेरिंग बनाएंगे जो इस कस्टर्ड के ऊपर जाएगा, और जो और साथ में कैरामेल भी प्रिपेयर करेंगे जो उसके ऊपर जाएगा। तो मिलते हैं कल बाकी की रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, दिस इज डे 2। तो कल मैंने बना लिया था कस्टर्ड जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था बना के, और वो यूज़ होना था सारा आज, लेकिन वो इतना टेस्टी था कि आते जाते मैं उसको आधा खा गया। पर अच्छी बात है कि आधा अभी भी बचा हुआ है। तो इस डिश का फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो गया है, अब बचे हैं 2 एलिमेंट जो उसमें, जिसमें से एक है मिरिंग और दूसरा है कैरामिल। सो सबसे पहले हम मिरिंग बनाएंगे। तो मिरिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पॉट में लगभग 2 इंच पानी रख लेंगे और उसे गर्म करेंगे, पर ध्यान रहे कि पानी काफ़ी ज़्यादा उबलना, हल्का हल्की सी भाप निकलती रहे और उसी भाप पे मिरिंग बनेगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो हमारा मिरिंग अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। अब हमारे सॉस पैन में हल्की सी भाप आनी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से मिरिंग बनाने के लिए रेडी है। तो इसके ऊपर अब हम एक बड़ा सा बाउल रख देंगे। अब हम इसके अंदर अपने 4 जो अंडे थे एग वाइट्स थे वो डाल देंगे, और उसे 1 या 2 मिनट तक तेज़ी से विस्क करेंगे। थोड़ा सा अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर है तो वो डालें, नहीं तो हल्का सा हम नींबू छिड़क देते हैं। धीरे धीरे 80 ग्राम शुगर इसमें मिलाते जाएंगे और इसको विस्क करते जाएंगे।
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क हो तो बेटर है, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी क्योंकि यहाँ तो पसीने आने शुरू हो गए। एक मेरी की पहचान ये है कि अगर मैं इसमें डिप करके इसे खींचूं तो ऐसी एक चोटी बन जानी चाहिए, ये एक परफेक्ट निशानी है मिरिंग के प्रिपेयर हो जाने की। अब हमारा मिरिंग तैयार हो गया है तो हम इस रेसिपी के थर्ड एलिमेंट यानी कैरामेल बनाने के लिए एक पैन के अंदर 100 ग्राम चीनी और 60 ml पानी मिलाकर चलाएंगे और उसको तब तक गर्म करेंगे तब तक कि चीनी का रंग ब्राउन नहीं हो जाता है, कैरामेल कलर का नहीं हो जाता है। इतने जितने कैरामेल का रंग पकड़ रही है चीनी, एक बाउल के अंदर पहले कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे, फिर मिरिंग के शानदार पहाड़ बनाएंगे उसके ऊपर और तब तक हमारा कैरामेल का रंग भूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल अंत में थोड़ा सा बटर डाल के उस कैरामेल को हम अपने मिरिंग के ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो शानदार लुक आ जाना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो मिरिंग हम ऊपर डालते हैं कैरामेल के, बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे कि पायरेनीज माउंटेन हो। पायरेनीज माउंटेन्स अंडोरा के चारों तरफ फैले हुए हैं और ये इन्हीं पहाड़ों के बीच में बसा हुआ छोटा सा देश है, तो सर्दियों में ऐसा ही लगता है कि जैसे ये पायरेनीज माउंटेन हो। तो उसी से इंस्पायर्ड इन लोगों ने मिरिंग को हमारे कस्टर्ड के ऊपर रखा है। बहुत बढ़िया, हमारा क्रेमा डे एंडोराना तैयार है। और कमाल की बात यह है मैं कल एंडोराना बोल नहीं पा रहा था, जीप को क्या हो गया, और आज मैं बोल पा रहा हूँ तो एक अच्छा चिन्ह है। बेस हमारा कस्टर्ड का है, उसके ऊपर शानदार मिरिंग की पहाड़ियाँ और सबसे ऊपर कैरामेल का ड्रिजल, देखने में शानदार लग रहा है। अब इसको चख के देखते हैं। ओह क्या क्रैक हो रहा है कैरामेल, देखो मिरिंज है बिल्कुल सॉफ्ट, कैरामेल है क्रिस्पी, कुछ कैरामेल क्रीम और मिरिंग के साथ, ये तीनों चीज़ें एक साथ। कैरामेल का क्रंचीनेस है और मिरिंग एकदम सॉफ्ट है और कस्टर्ड तो हमारी शानदार थी ही। भाई साहब कदर बनाए। ओह बहुत ही मीठा हो गया।